केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय प्रवास पर रविवार को आएंगी भोपाल। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में होंगी शामिल, पत्रकारों को करेंगी सम्मानित। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में क्रिस्प जयकवाड़ प्लंबिंग प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विश्व कौशल भारत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से की मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भोपाल में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक को किया संबोधित। कहा, पार्टी संगठन के दम पर जीतेगा अगला विधानसभा चुनाव। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अगली बार जीत का किया दावा। भेल दशहरा मैदान पर आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी के शासन में जो विकास हुआ है वह किसी सरकार में नहीं हुआ। प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और मुख्यमंत्री ने भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 15 सालों में प्रदेश की तस्वीर बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। 290 शोधार्थियों को प्रदान की उपाधियां। कहा, विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने केंद्र और राज्य सरकार चला रही विभिन्न योजनाएं। शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को प्रदान किए 46 स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री आवास योजना से उमरिया के आदिवासी परिवारों ने के अपने घर का सपना हुआ साकार। ग्रामीण क्षेत्रों में बैगा आदिवासियों को मिला पक्का मकान। ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। इंदौर में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 6 विकेट से हराकर हासिल की तीसरी जीत। मुंबई के सूर्य कुमार यादव ने खेली 57 रन की दमदार पारी। अंक तालिका में 5वें नंबर पर काबिज हुई मुंबई इंडियंस। ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रदेश भर में ग्राम सभाओं का हो रहा आयोजन। बैतूल बाजार के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक हुए शामिल। किसानों को खेती संबंधी विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। राज्य लोक सेवा आयोग ने महू के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों का विज्ञापन किया जारी। 15 मई से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में 29 सहायक कुल सचिवों के लिए भी विज्ञापन किया जारी। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने की दी गई मंजूरी। चीनी पर सेस तय करने के लिए भी बनाई गई समिति। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर उपभोक्ताओं को 100 रुपए तक इंसेंटिव देने के लिए प्रस्ताव पर किया गया विचार। 5 मई की रात 10:30 बजे से 12:15 बजे तक और 6 मई की सुबह 5:15 बजे से 6:30 बजे तक बंद रहेगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS को अपग्रेड करने के लिए किया गया निर्णय। यात्रियों की सुविधा के लिए 139 सेवा रहेगी चालू। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ आगामी रविवार को जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूती देने पर होगा मंथन। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस देने की योजना के आए अच्छे परिणाम। अब तक 157,470 महिलाओं को जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस। 28 दिसंबर 2015 को शुरू हुई थी पिंक ड्राइविंग लाइसेंस योजना। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। शुक्रवार को खरगोन में रिकॉर्ड किया गया 44 डिग्री तापमान। मौसम केंद्र ने खंडवा समेत प्रदेश के 5 जिलों के लिए लू का अलर्ट किया जारी। भीषण गर्मी से लोग परेशान, चिकित्सकों ने धूप से बचने की दी सलाह।